लेकिन कांग्रेस को पछाड़ते हुए अब बीजेपी आगे आगे जा रही है। कांग्रेस का कार्यालय भाई यहाँ तो बड़ी खामोशी छाई हुई है। 242 बूथों से निखिल मैदान आगे चल रहे हैं। ऐसे कौन जीते हैं? भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम। हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। नमस्कार दगड़ियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस हम सब भी बहुत अच्छे हैं। सुबह हो गई है, कान्हा जी जा रहे हैं आप स्कूल, खुशी रेडी हो गई है। कल खुशी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, बुखार आ गया था, तो शाम के टाइम मुझे लग रहा था शायद ले जाएगी, बट अभी ठीक है, दवाई दी है तो बोल रही मैं जा रही हूँ। अगर ऐसा कुछ लगे तो फिर बता दूँ, फोन करवा दूँ, ठीक है? क्यों नहीं आएगी? आएगी आऊंगी नहीं मैं, अगर रुक लाएगी तो बदतमीज लड़का। साइकिल पे? साइकिल कौन चलाएगा? साइकिल वहीं छोड़ दूंगी स्कूल में, कुछ ऐसा होगा। अगर नहीं इतना नॉर्मल तो नहीं आएगी, नहीं आएगा, बुखार उखार आ गया होगा, हो जाता है कभी कभी। आइए आ जाइए, मेरे पापा ने बीच उसमें खड़ी कर दी, उधर हाँ कर दिया, उधर कर दो ना, ये निकलेगा बाहर, उधर चलाते हुए लाता लड़का स्टंट में। चल बाय, आराम से जाना। हाँ, 5 hours later। सो गाइस आज है 8 अक्टूबर और आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और टीवी में बता रहे हैं, एग्जिट पोल होता है ना, कि अब कांग्रेस आगे चलेगी, कहीं बीजेपी आगे चलेगी, कहीं कुछ ऐसे, मतलब थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते कौन जीत रहा कौन जीत रहा है। तो भाई आज देखते हैं किसकी सरकार बनती है हरियाणा और कश्मीर में। तो आज सुबह 8 बजे से एग्जिट पोल चालू हो गए हैं, कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे रह जा रहा है, कोई आगे चले जा रहा है, कोई उससे आगे चले जा रहा है, तो मतलब दौड़ लगी है अभी। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा हम भी बाहर देख के आते हैं क्या माहौल है, और मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं बाहर पार्टियों का क्या माहौल है, क्योंकि जगह जगह कार्यालय बने हुए हैं ना, हम विजिट करके आ रहे हैं। चलिए, सो गाइस हम लोग आ गए हैं बाहर और हम जा रहे 14 सेक्टर। अभी तो खामोशी छाई हुई है पूरी मार्केट में, गाड़ियां और बसों की आवाज चल रही है बस। सो गाइस हम पहुंचने वाले हैं बीजेपी के कार्यालय में, और ये देखो भाई यहाँ तो गाड़ियों का तांता लग रहा है, साइड साइड से हम लोग आ रहे हैं। ये देखो शुरुआती दौर में जो हमने एग्जिट पोल देखा था उसमें कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन कांग्रेस को पछाड़ते हुए अब बीजेपी आगे आगे जा रही है, और यहाँ पे भाई धीरे धीरे बीजेपी के कार्यालय के बाहर देख रहे हैं आप कितनी सारी गाड़ियां ही गाड़ियां, और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आने वाले हैं, धीरे धीरे आ भी रहे हैं, कुछ अंदर हैं। तो भाई उत्साह तो बहुत है बीजेपी में, देखिए क्या होता है, हरियाणा की किस्मत का फैसला अगले 5 सालों के लिए किसके हाथ में जाता है, बीजेपी या कांग्रेस। और भाई वहाँ इसके सारे फ्लैग लगे हुए हैं, देखो बीजेपी बीजेपी हो रही है यहाँ पे, तो ये मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट हो रही है भाई। तो चलिए देखते हैं कौन आगे जाता है, बीजेपी या कांग्रेस, किसकी सरकार बनती है। दरबार लग रहा है यहाँ पे, अब हम जा रहे हैं इस साइड बस स्टैंड की साइड जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा, हरियाणा के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए, दो स्टेट्स के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। ये हमारे बालाजी सरकार, गीता भवन चौक, अब इधर से होते हुए हम लोग जाएंगे, इधर अभी मार्केट शुरू ही हुई है, आना जाना चालू है लोगों का, ट्रैफिक पुलिस अपना काम करते हुए अच्छे से। अब हम जा रहे हैं सुभाष चौक की तरफ, पहुंच चुके हैं सुभाष चौक, और यहाँ पे है कांग्रेस का कार्यालय। भाई यहाँ तो बड़ी खामोशी छाई हुई है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ना कार्यकर्ता ना उनकी गाड़ियाँ। और ये है हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार जी का कार्यालय, अब देखो इस बार कौन जीतता है, पवार जी या निखिल मदान जी। अभी भी इधर कूड़े ही डल रहे हैं क्या, ये देखो अभी भी चालू है इधर, राम जी जय श्री राम। तो कुछ भी चहल पहल नहीं है, मुझे लगा शायद ढोल नगाड़े वगैरह कुछ कार्यकर्ता लोग करेंगे, बट ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, क्योंकि न्यूज़ में अलग ही दिखाते हैं, मुझे लगा इधर भी हो रहा होगा कार्यालय के बाहर। मंगलवार है, बालाजी की बूंदी भी तैयार हो गई, के लिए कुछ ले लिया, अब चलते हैं घर की तरफ, जैसा सोचा था वैसा कुछ दिखा नहीं। ये वाली शॉप खाली हो गई पांडा की,
चली नहीं बेचारे की दुकान। यहाँ पे वो मिलता था फास्ट फूड। लो जी आ गए घर पे, अब जरा देखते हैं टीवी में क्या बता रहे हैं, रिजल्ट क्या है चुनाव का। ये खोल दिया उन्होंने आते ही। हरियाणा से देखो 47, 36, इधर है 28 और 48, जम्मू में 48 है कांग्रेस और हरियाणा में 36। गाइस अभी हम लोग भी गए थे कांग्रेस का जो कार्यालय था वहाँ पे भी सुनसान हो रखा था, कोई दिख नहीं रहा था और न्यूज में भी वही बता रहे हैं। गाइस न्यूज पढ़ रहे हैं, विधानसभा सीट से तीसरे राउंड की गिनती में 16,242 वोटों से निखिल मदान आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, कांग्रेस के सुरेंद्र पवार 10,687 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर। अच्छा, 211 वोटों के साथ में आम आदमी पार्टी के देवेंद्र तीसरे स्थान पर। 211 ही बस है, 211। अच्छा, और निखिल मदान कहाँ है? ये 16,242 निखिल मदान 16,242 वोटों से आगे और कांग्रेस 10,687 वोटों के साथ और दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे है आम आदमी पार्टी। भाई मैंने इनका प्रचार नहीं देखा कसम से, मैं बोल रही थी इनसे कि उनका प्रचार देखा ही नहीं मैंने, अब और जगह आए होंगे फिर, सोनीपत में तो नहीं देखा मैंने। बताओ, जेब में उनके फोन है, दोबारा आ गए हाँ इधर मांगने के लिए कि मेरा फोन दे। क्या हुआ तुम्हारे पीछे की जेब में? पीछे की जेब में मैं तब से चिल्ला रही हूँ रुको रुको करके। अच्छा वो गिरा नहीं, मैंने देख लिया। चलो, जम्मू कश्मीर में तो एनसी यानी कि नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार हो गई। एनसी ये देखो 52 उल्टा दिख रह गया, रुको अभी दिखाती हूँ। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 27 पे रुकी हुई है, बीजेपी की जो सीट है और ये 52 पे चली गई है और पीडीपी की केवल 2 सीट दिखाई जा रही है। पता नहीं इनका क्या हुआ कालिया, ये बेवकूफ लड़की ये देखो है, इसको आ रखा है बुखार कल, अब मेरे को मेरी बत्ती भ्रष्ट ऐसी और मैं इसके लिए आइसक्रीम ही लेके आई हूँ। मेरे को ये थोड़ा थोड़ा मेरे को देख ले, नहीं तो मेरे को दे थोड़ा, इतना मत खाया बाबू, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा तेरे को बुखार था, कुछ नहीं होता, थोड़ा मेरे को दे जल्दी थोड़ा। हाँ, और भाई साहब हमारे से कौन जीते हैं? भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम। गाइस सुबह से लेके शाम हो गई है और इंतजार खत्म। जैसे कि आपने देखा हमारे यहाँ निखिल मदान जी विधायक बन गए हैं और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाई जाएगी, लेकिन उधर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा निराशाजनक रहा है नतीजा, क्योंकि इस बार सोचा था वहां बीजेपी की सरकार होगी, बट क्या करें, बीजेपी ने वहां इतना सुधार किया था आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। वहां पे पथराव रुक गया था, पत्थरबाजी होने बंद हो गई थी जवानों पे और लोग बाहर है ना बड़े ही फ्रीडम से घूम रहे थे, बड़े ही आजादी से घूम रहे थे, लेकिन अफसोस क्या कर सकते, कभी कभी ना लोगों को अच्छी चीजें नहीं समझ में आती। तो भाई जम्मू कश्मीर में बन गई है नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की मिली जुली सरकार, 2 पार्टी मिलके बना रही है वहाँ पे अपनी सरकार, तो देखते हैं कौन बनता है वहाँ का मुख्यमंत्री। और यहाँ हरियाणा में हमारे बीजेपी की सरकार बन रही है, अब देखो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होते हैं या फिर देखो कौन होता है, क्योंकि अनिल विज भी बोल रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाएं, अब या तो उप मुख्यमंत्री होंगे या मुख्यमंत्री होंगे, देखो क्या होता है। अभी आज ही निर्णय आया है बीजेपी का कि यहाँ से वो विजयी हुई है, अब देखते हैं विधायक कौन सॉरी मुख्यमंत्री कौन रहेंगे, क्योंकि विधायक तो हमारे निखिल मदान जी हैं यहाँ के, जो हमारे कॉलोनी में भी आए थे, आपने मेरी वीडियो देखी थी। तीसरी बार फिर से बीजेपी आई है, यानी कि हैट्रिक हो गई है बीजेपी की, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी के साथ हम हैं और मैंने मोदी जी के नाम पर वोट दिया है।